नमस्कार। सूचना है 5 डिपार्टमेंट की, दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसका नाम। पीएचडी के इंटरव्यू के विषय में आई है सूचना। कम समय है मेरे पास भी वीडियो बनाने के लिए और आपके पास भी बहुत कम समय है, लगभग 2 से 3 दिन का, इस सूचना का लाभ लेने के लिए। नहीं तो समस्या हो जाएगी इंटरव्यू देने में आपको। यदि आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है एनटीए पीएचडी का, या फिर आप एग्जामिनेशन कैटेगरी में हैं, कुछ डिपार्टमेंट की सूचनाएं आपको पहले से दी जा चुकी हैं। नहीं देखा होगा वीडियो तो वीडियो देख लीजिएगा, या विस्फाइल की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर लीजिएगा, आपको वहां से भी जानकारी मिल जाएगी। 5 डिपार्टमेंट कौन से हैं, उनके क्या नॉर्म्स हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, उसको ध्यान से समझिएगा और सुनने में तकलीफ हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू को अपने पास में रखिएगा। पहला डिपार्टमेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो डिपार्टमेंट है लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, उससे हम पहले बात करेंगे संगीत अर्थात म्यूजिक की। म्यूजिक डिपार्टमेंट जो पीएचडी की सीट है जिनको बढ़ा दिया गया, जिनकी संख्या है 53 यानी कि 53, और इस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू होना है 16 और 17 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे ऑफलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू से पहले आपको डिपार्टमेंट को अपना सिनॉप्सिस ईमेल के माध्यम से भेज देना है, और अगर आप डिपार्टमेंट के आसपास रहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तो आप बाय हैंड भी जाकर सबमिट कर सकते हैं। सभी अपने अकेडमिक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी आपको अटैच में करनी होगी, साथ में लगानी होगी, एप्लीकेशन फॉर्म भी लगाना होगा, ठीक है। एक और बात, किन बच्चों को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ध्यान से समझिएगा, एक ही बार बताऊंगा, पांचों डिपार्टमेंट का नहीं बताऊंगा। जिन बच्चों ने एनटीए पीएचडी प्रवेश परीक्षा पास कर ली है और उनका स्कोर यदि 45% आया है, यदि आप एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में जब मैं बात करता हूं तो उसमें ओबीसी विद नॉन क्रीमिलियर भी आएगा। ऐसे बच्चे जो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी में नहीं आते हैं, जनरल है और ईडब्ल्यूएस है, उनको 50% नंबर लाना जरूरी है। एक और बात, 8 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच में एक फॉर्म निकला था डीयू के अंदर पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए पुनः से। अगर आपने वो फॉर्म भरा है और फॉर्म भरते वक्त यदि आप जेआरएफ या फिर एमफिल कैटेगरी में हैं और आपने उसमें एग्जामिनेशन के ऑप्शन को टिक करा है, क्लिक करा है, तो आप इस वाले इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट चुन लिए गए हैं, तो आपको भी अपने डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट को भेज देने हैं और तय तारीख पर आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई पर्सनली ईमेल या फ़ोन नहीं आएगा कि आपका इंटरव्यू है इस डेट में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्वयं वेबसाइट पर विजिट करना है समय निकालकर और आपको इंटरव्यू की जानकारी लेनी है। फिर से रिपीट कर दूं, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक के बच्चों का इंटरव्यू 16-17 जनवरी को सुबह 11 बजे से ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है। अगला डिपार्टमेंट है संस्कृत डिपार्टमेंट, लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, जिसके अनुसार आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो 4 जनवरी को होना तय हुआ है। इस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों का मेल आया कि 4 जनवरी का इंटरव्यू है, ऐसा नहीं है। 4 जनवरी तक आपको एक डेट का पालन करना है जिसमें आपको सभी अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट को डिपार्टमेंट को ईमेल के माध्यम से भेज देना है, और एक गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको दूंगा, उस पर सभी जानकारियों को फिलअप करके आपको उसको भी सबमिट कर देना है। एक विशेष बात, यदि इस गूगल फॉर्म को आप सबमिट नहीं करेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो नुकसान होना तो आपका लाजमी है। ये कौन सा फॉर्म है, इसमें क्या बला है, इसको भी ध्यान से लीजिए। पहला सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस आप 3 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का चयन करके बना सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के पहली भाषा है संस्कृत, दूसरी है इंग्लिश और तीसरी है हिंदी। सिनॉप्सिस एक मैंडेटरी चीज़ है, इसका ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर, जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म या गूगल फॉर्म में, सभी डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटैच होने चाहिए। यूजी पीजी की मार्कशीट, एमफिल यदि पास कर रखा है या एमफिल कर रहे हैं तो उसका प्रूफ, नेट जेआरएफ अगर दे है तो उसका प्रूफ, और यदि आपने सीयूटी का एंट्रेंस दिया है उसमें जितना भी आपने स्कोर प्राप्त किया है उसका प्रिंट आउट निकालेगा, इसको साइन करेगा, स्कैन करके दोबारा से अपलोड कर देगा। बड़ा ही छोटा सा फॉर्म है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। बाकी आपका ईमेल आईडी है, फोन नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, एप्लीकेशन नंबर है, ये सब आपको, और प्रपोजल भी आपको इसी में अटैच कर देने हैं, उसको मार्कशीट के प्रूफ है वो भी आपको लगा लेने हैं, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, बौद्ध अध्ययन को बोलते हैं। लगभग आज कल शाम में इसका नोटिफिकेशन आया है, जिसके अनुसार आपको डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट प्लस रिसर्च प्रपोजल 5 जनवरी 2024 तक शाम 5 बजे तक ईमेल के माध्यम से भेज देना है। अगर आप इन चीज़ों का पालन नहीं करेंगे तो जो आपका इंटरव्यू होने वाला है 9 जनवरी 2024 को, उसमें आपका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और कोई समस्या हो तो कमेंट करके मुझे या फिर डिपार्टमेंट को ईमेल करके भी आप पूछ सकते हैं। लास्ट डिपार्टमेंट जो आज की लिस्ट में आया है, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी। वैसे तो 28 तारीख है और कल थी 27। अगर आपको साहिबजादों के बारे में नहीं मालूम है, वीर साहिबजादे, तो गुरु गोविंद सिंह का इतिहास थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उनका पूरा सप्ताह मनाया पूरे देश ने और दुनिया ने 21 से लेकर 27 दिसंबर के बीच में, तो उनको याद करते हुए तो उसी डिपार्टमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंटरव्यू की डेट है 3 जनवरी, इंटरव्यू होगा ऑफलाइन माध्यम से, पंजाबी डिपार्टमेंट आर्ट्स फैकल्टी में ही होगा। इंटरव्यू से पहले आपको सिनॉप्सिस और एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी डिपार्टमेंट को ईमेल के माध्यम से भेज देनी है, बाय पोस्ट भी जाकर उसको भेज सकते हैं, ठीक है। अकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने। एक और विशेष बात,
ये सवाल भी आया था कि जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे दिल्ली में इतनी ठंड में, तो हम कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे, ये व्यवस्था आपको स्वयं करनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार या पिछले 2 सालों से व्यवस्था नहीं कर रहा है, जो बच्चे बाहर से आएंगे उनको व्यवस्था स्वयं करनी होगी, और किसी प्रकार का TA DA विषय की तरफ से आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। विशेष रूप से फिर से रिपीट कर दूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी के बच्चों का इंटरव्यू 3 जनवरी 2024 को रखा गया है। कमेंट करके बताइएगा कि 3 जनवरी को किस महान हस्ती का जन्मदिन है, एक फीमेल कैरेक्टर है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं जरूर आपको मालूम होना चाहिए कौन सी ऐसी वीरांगना है, सती है, स्त्री है, इसका जन्मदिन है और अच्छी कैरेक्टर है और शायद एक विशेष वर्ग का भारत में और शिक्षा की दृष्टि से इस महिला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो उनके जन्मदिन का नाम आपको बताना है, तारीख मैंने आपको बता दी है। जो लास्ट डिपार्टमेंट बताने वाला हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही दे चुका हूँ 2 बार, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को समस्या आई थी इस इन्फॉर्मेशन को समझने, इसलिए मैं सूचना को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, डिपार्टमेंट सोशल वर्क के बच्चे यहाँ से सुनेंगे कि 4 जनवरी 2024 तक आपको अपनी सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, रिसर्च प्रपोजल, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, NT का एग्जाम पास करा है तो उसके रिजल्ट की कॉपी अटैच करके PDF फाइल में आपको डिपार्टमेंट को भेजनी है ईमेल के माध्यम से, admission@socialwork.du.ac.in इस ईमेल आईडी पर। इस ईमेल आईडी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा। प्रपोजल जो बनाएंगे आप ऊपर इंग्लिश में बनाना है, इसका ध्यान रखिएगा 5000 वर्ड इसका वर्ड लिमिट रखा गया है और टाइम न्यू रोमन फॉन्ट का यूज़ करते हुए 1.5 के स्पेस से आपको 12th के फॉन्ट में इसको आपको कलेक्टर के टाइप करके बनाना है। बाय हैंड या रिटर्न लेकर जाएंगे तो सबमिट नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और एक और बात, एक फ़ोन नंबर भी मैं आपको दे दूंगा है, ठीक है, हेल्पलाइन के लिए उनसे आप बात कर लीजिएगा। और इंटरव्यू की जो डेट है वो है 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2024 के बीच में, इसका ध्यान रखिएगा। तो इस इंटरव्यू की डेट्स का विशेष ध्यान रखिएगा। और आपका डिपार्टमेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कमेंट करके बताइए, कोई समस्या सवाल तो बताइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ सलाम, जय।